दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश कैबिनेट द्वारा तय शर्तों पर सोलन को नगर निगम बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के बाद सोलन शहर में खुशी का माहौल है। पिछले करीब एक दशक से नगर निगम की आस संजोए बैठे सोलन वासियों के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक नायाब तोहफा दिया है। शिमला में पिछले मंगलवार को आयोजित बैठक में सोलन सहित बीवीएन व मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने को तय शर्तों पर अपनी मंजूरी दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है सोलन वासियों का। सोलन को नगर निगम बनाने के लिए बहुत समय से प्रयास चल रहा है और अब हमें खुशी है कि कल मंत्रिमंडल की बैठक में सोलन के ऊपर नगर निगम बनाने के विस्तार से चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि सोलन नगर निगम की घोषणा बहुत जल्दी कर दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि इस संघर्ष को लेकर मैं भी कई बार ऊपर माननीय सीएम साहब से भी मिले हैं, समिति के सदस्यों के साथ गए हैं और वैसे भी हमने सीएम साहब के सामने मैं भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखता हूँ, इसलिए हम पार्टी के लोगों के साथ भी माननीय सीएम साहब के पास गए थे और माननीय सीएम साहब ने हमेशा ही सोलन को नगर निगम का दर्जा देने के लिए पॉजिटिविटी दिखाई, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सोलन की नगर निगम के लिए घोषणा माननीय सीएम साहब करेंगे। अगर सोलन नगर निगम बनता है तो नगर निगम बनने से पता है कि जो नगर निगम को मिलने वाले जो फंड होते हैं वो सेंटर से बहुत ज़्यादा हमें इसको नगर निगम को सपोर्ट मिलती है और फंड ज़्यादा होने से शहर की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे कि अभी सोलन के अंदर में बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं, कहीं सीवरेज की दिक्कत है, कहीं पर इस तरह की बहुत सी दिक्कतें शहर के अंदर में हैं, उसमें वजह यही रहती है कि पैसे की कमी रहती है, आमदनी इतनी नहीं होती कि उस काम को किया जा सके। लेकिन नगर निगम बनने के बाद जहां फंड बढ़ेंगे तो वहां शहर की डेवलपमेंट होगी। शहर में डेवलपमेंट में चाहे वो पार्किंग को ले लें, चाहे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस टाइप की चीज़ों को ले लें, या हम जो साफ़ सफाई के लिए सीवरेज सिस्टम वगैरह या पानी की जो योजनाएं हैं उनमें बढ़ावा होने से शहर को हर तरह से फ़ायदा ही मिलेगा और हमारा शहर तरक्की भी करेगा और सुविधाएं आम जन को जो है बहुत ज़्यादा मिलने इससे लग जाएगी। तो ये मेरा मानना है और हम उम्मीद करते हैं कि इस नगर निगम बनने के बाद में अगर और कहीं पर ज़मीन तलाशने के बाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बनते हैं तो इससे व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना पूर्ण रूप से आगे बढ़ती है और शहर का विकास भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सोलन को नगर निगम बनना बहुत अब आवश्यक भी हो गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जल्दी ही इसकी घोषणा जल्द से जल्द करेंगे कि सोलन को नगर निगम बना दिया गया। मेरा नाम सनी जसवाल है और मैं एक व्यापारी होने के नाते मेरी ऐसी राय है कि जो अपग्रेड किया जा रहा है सोलन नगर पालिका को नगर परिषद में, वो सोलन शहर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इससे एक तो है यहाँ कारोबार जो है वो ज़्यादा होगा, ठेकेदारों को ज़्यादा काम मिलेगा, सोलन का एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो नगर परिषद के जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है जो कि नगर पालिका के तहत नहीं आता उतना पैसा रॉयल्टी वगैरह, वो यहाँ मिलेगा और उस डेवलपमेंट में हम लोगों को फ़ायदा होगा। जर्नली भी सबके फायदे की चीज़ है नगर परिषद बनना। इससे एक तरह से ये सोचो कि सोलन शहर को जो अपग्रेड किया जा रहा है, एक स्टेप अहेड हो रहा है सोलन का और बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। थैंक यू। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं सोलन में रहता हूँ। जिस प्रकार से सोलन में नगर निगम बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है इससे सोलन शहर के साथ साथ सोलन ज़िले को भी मेरे हिसाब से फ़ायदा हो सकता है। सोलन में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो काम हो रहा है, अगर नगर निगम बनता है तो उस काम में तेज़ी आएगी और लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से नगर निगम बनना चाहिए जिससे कि सभी को फ़ायदा हो और हमारा जो सोलन शहर है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। मैं सुधीर आहूजा सोलन माल रोड पर बिजनेस करता हूँ और जैसे ये नगर निगम का डिसाइड हो गया है कि अब यहाँ पे उसको नगर निगम बनाया जाएगा
तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर फंड्स वगैरह गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्प करेगी और क्या कहते हैं वो करेगी तो डेवलपमेंट के रास्ते खुल जाएंगे, और डेवलपमेंट होनी भी चाहिए। अगर नहीं होती तो आम सिविलियन को क्या फ़ायदा है अगर उस चीज़ का, अगर नगर निगम बन भी जाता है, अगर क्या कहते हैं यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। और मेरिट और डीमेरिट तो हर चीज़ की होती है, कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे कुछ नहीं होंगे, हम तो ये चाहते हैं कि ये बनना चाहिए और इसमें क्या कहते हैं सोलन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं संजीव जी सोलन से, अगर सोलन नगर निगम बनता है तो इससे आम जनता को और शहर की जनता सबको बहुत फ़ायदा होगा और ये बनना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। और नगर निगम बनने से पूरी डेवलपमेंट होगी, पैसा भी बढ़ेगा और शहर का भी विस्तार होगा, हर चीज़ की फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी, और ये जो है नगर निगम जल्द से जल्द बनना चाहिए, इससे पूरे सोलन वासियों का फायदा होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक मंडी, भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन्स ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमेरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक मंडी। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिम एग्रो केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स डील्स इन ऑल काइंड ऑफ पावर टिलर, पावर स्प्रेयर्स, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा। एड्रेस कृष्णा भवन विलेज शांति, राजगढ़ रोड सोलन। कॉन्टैक्ट 9418083258262912345।